गाइस सैमसंग का ए सीरीज़ जो कि काफ़ी बेहतरीन फ्लैक्सी स्मार्टफोन प्रोवाइड करता था अपने कस्टमर के लिए पर ईयर, जिसमें हमें काफ़ी बेहतरीन कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें हमें काफ़ी बेहतर प्रोसेसर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ फीचर्स यहाँ पर हमें काफ़ी बेहतरी देखने को मिलता है। तो इस बार सैमसंग क्या करेगा, ए सीरीज से रिलेटेड यहाँ पर एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला था, जो कि होने वाला था सैमसंग गैलेक्सी A52, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया गाइस, इस बार सैमसंग A52 स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं करने वाला है। जी हाँ गाइस, जो कि लगता है इस बार सैमसंग अपने कस्टमर के डिमांड के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान। जी हाँ गाइस, इस बार सैमसंग अपने A52 का सक्सेसर सैमसंग गैलेक्सी A52s को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। उसी के साथ स्मार्टफोन का लाइव इमेजेस एंड स्पेक्स ऑनलाइन रिवील्ड हो गया, जो कि कुछ दिन पहले रिवील्ड हुआ था BIS के पेज पे। जी हाँ गाइस, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर BIS के पेज पे लीक हो गया तो आप मान के बैठो कि ये स्मार्टफोन हाफ ईयर एक मंथ के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और कुछ दिन पहले नेटवर्किंग साइट पे भी रिवील्ड हुआ था, और आज ये सैमसंग इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रिवील्ड हो चुका है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि मैक्सिमम 5 to 10 डेज के अंदर ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। और हाँ गाइस, अकॉर्डिंग टू लिस्ट आज की वीडियो में स्मार्टफोन के ऊपर मेरे पास ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो कि मैंने सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कलेक्ट किया है, जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाके एक जरूर लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको जेन्युइन कंटेंट ही देखने को मिलता है। और हाँ गाइस, अगर आपने इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ जाके एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा गाइस। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि स्मार्टफोन के लिए आपको वेट करना चाहिए कि नहीं। सो इसलिए A52s स्मार्टफोन के ऊपर मैं ऐसा टॉप 5 पॉइंट्स लेके आया हूँ, जिसके थ्रू आपको क्लियर पता चल जाएगा कि स्मार्टफोन के लिए आपको वेट करना चाहिए कि नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्मार्टफोन के ऊपर वेट करने का सबसे पहला टॉपिक है स्मार्टफोन का डिस्प्ले। इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि हाई रेजोल्यूशन का सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ ये स्मार्टफोन आ रहा है 120Hz रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ। सो यहाँ पर देखें तो कम्प्लीटली टेक्निकल हो चुका है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है, जो कलर्स होंगे या ग्रेन्स होंगे स्मार्टफोन में हमें काफ़ी बेहतर क्रिस्टल देखने को मिलेगा, और जो रिप्लेसमेंट होगी वो भी बहुत कमाल का होने वाला है। और साथ ही स्मार्टफोन में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। गाइस जब हम बात करें स्मार्टफोन डिस्प्ले के ऊपर, डिस्प्ले में तो एंटरटेनमेंट होता ही है, तो एंटरटेनमेंट में सबसे पहला पॉइंट आता है स्मार्टफोन का म्यूजिक। जी हाँ गाइस, जो सैमसंग था ए सीरीज में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था डुअल स्टीरियो स्पीकर, जो कि हमें गाइस पहली बार A52s में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ गाइस, जो कि काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो जो एंटरटेन हो बट यहाँ पे इंटरप्ट ना देखने को मिले तो कैसा लगेगा। सो इसलिए यहाँ पे सैमसंग अपने हाई मिली एम्पेयर की बैटरी को प्रोवाइड कर रहा है, जो कि होने वाला है 4500 मिली एम्पेयर की बैटरी, 25 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो आई थिंक आपके मन में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि मेरे पास तो 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग का स्मार्टफोन है या फिर 67 वॉट का है, तो मैं स्मार्टफोन के ऊपर क्यों जाऊँ। सो यहाँ पे देखो, ये जो 25 वॉट है वो सैमसंग के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड माना जाता है। सो अपने जो सैमसंग है वो अपने नोट में या फिर एस सीरीज में 25 वॉट को ही प्रोवाइड करता है। सो इसका जो प्रोसेसर वो 6 nm पे आता है। सो ऑलरेडी स्मार्टफोन जो बैटरी है काफ़ी एफिशिएंसी देखने को ही मिलेगा। और जो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए, वो है स्मार्टफोन का कैमरा। सो इस स्मार्टफोन में 64 MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, विथ ऑल्सो इंक्लूडिंग ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, जो कि ये सैमसंग अपने A3 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा कैमरा के बारे में। सो यहाँ पर 2 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा, 5 MP का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा, और डेप्थ सेंसर का भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है आप लोग में से 90% लोग को इस टॉपिक के ऊपर बात करना बिल्कुल वेस्ट टाइम लगता है, क्योंकि आप लोग को चाहिए एक बेहतर कैमरा जिसमें हमें हमारा फोटो काफ़ी बेहतर देखने को मिले, एक चमकीला सा फेस देखने को मिले, जैसे कि सलमान खान शाहरुख खान जैसे फोटो लेते हैं कुछ उस तरह का देखने को मिल जाए। तो वो आता है एक ओवर लेंसेड कैमरा ऑप्शन, जो कि आपको DSLR में ही देखने को मिलेगा। बट गाइस, अगर वैसा आपको कैमरा चाहिए किसी स्मार्टफोन में तो वो काफ़ी बेहतर कैमरा होता है, यानी कि बेस्ट कैमरा होता है, जो कि सैमसंग का A52s सीरीज में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें सैमसंग एक बेहतर कैमरा ही प्रोवाइड करता है, सो डेफिनेटली यहाँ पर हमें उस फोटो से ही रिलेटेड थोड़ा बहुत इस कैमरा में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्मार्टफोन में ऑप्टिकल स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिलेगा कैमरा में। सो आपका फोटो में बिल्कुल चार चांद लगने वाला है। सो जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मार्टफोन का IP67, जो सैमसंग अपने ए सीरीज के पहली बार स्मार्टफोन में IP67 को इंट्रोड्यूस किया था। सो उसके बाद सैमसंग को फाइनली अब कल आ गया, उसने अब A52s स्मार्टफोन में IP67 की तरह ही कुछ रिवील्ड करने वाला है। अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है, बट आई थिंक यहाँ पर हमें IP67 ही का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली IP67 और IP68 में क्या फ़र्क होता है। जो IP67 होता है वो 1 मीटर के डेप्थ में 30 मिनट तक मैक्सिमम सर्वाइव कर सकता है, तब भी आपके फ़ोन को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, और जो IP68 होता है वो मैक्सिमम 30 to 35 मिनट, एटलीस्ट 40 मिनट तक, मेनली गाइस 2 मीटर के डेप्थ तक सर्वाइव कर सकता है, तब भी आपके फ़ोन को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही है स्मार्टफोन का IP67 IP68 का फर्क। आई थिंक IP68 काफ़ी हद तक बेटर होता है IP67 से। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न मुझे लगता है स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए, वो है स्मार्टफोन का अपडेट।
सैमसंग प्रॉमिस करता है अपने ए सीरीज के साथ 3 ईयर्स का एंड्रॉयड अपडेट, जो कि एक कमाल की बात है गाइस। यही ना फायदा है सैमसंग के प्रीमियम पे करने का, जो कि आपको 3 ईयर्स तक आपका सारा सिक्योरिटी अपडेट, एंड्रॉयड अपडेट्स आपको सब फ्री देखने को मिलता है। यानी कि आपको जो स्मार्टफोन है अपडेट होने के बाद एक नए स्मार्टफोन की तरह देखने को मिलेगा। सो गाइस, जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है ना, स्मार्टफोन का प्रोसेसर। तो जो सैमसंग का A52 5G था, जो कि ग्लोबली लॉन्च हुआ था, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था 5G के वजह से, वो देखने को मिलता था स्नैपड्रैगन 750G। जो इंडिया में लॉन्च होने वाला A52s, वो इस स्मार्टफोन से भी ज्यादा प्रोसेसर को लेके आ रहा है। जी हाँ गाइस, क्योंकि होने वाला है 778G, इसमें हमें 6nm वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसे देखते हुए मुझे लगता है कि सैमसंग अपने कस्टमर के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर हमें 6nm वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर हमें एड्रीनो 4266LGU का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो ग्राफिक्स को लेकर आपको कुछ ऐसा फील होगा कि आपको गेमिंग की दुनिया में एक बेहतरीन सफर करा रहा है। जी हाँ गाइस, इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर होने वाला है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। कुछ स्पेशल फीचर्स जो कि आपको प्रीमियम पे करने के बाद इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जो कि होने वाला है NFC, 5G, सिक्योरिटी लॉक, सैमसंग पे, और यहाँ पे हमें UI 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन UI है। और उसके साथ यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी बेहतर लुक देखने को मिल जाता है प्लास्टिक बैग के साथ। ऑलवेज सैमसंग का हमें डिसएडवांटेज ही देखने को मिलता था, बट पहली बार यहाँ पे हमें सिर्फ एडवांटेज देखने को मिल रहा है। गाइस, ये थे कुछ स्टोरी सैमसंग गैलेक्सी A52s स्मार्टफोन का। सो ये स्मार्टफोन अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा। सो यही था गाइस कुछ स्पेक्स जो कि मैंने सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट किया था और BIS ने जो रिवील्ड किया था। तो फिलहाल गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो जाकर प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, बी सेफ, ऑलवेज टेक केयर एंड बी कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।